मुजफ्फरनगर जिले में ऑनलाइन जुए में 2 लाख रुपए हारने के बाद एमबीबीएस और डी फार्मा के छात्रों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मेडिकल छात्रों ने पड़ोसी महिला शिक्षिका के घर पर ही हाथ साफ कर दिया, लेकिन पुलिस ने वारदात के मात्र 48 घंटे के अंदर ही दोनों को धर दबोचा और शत प्रतिशत रिकवरी भी कर ली। हैरत की बात तो ये है कि एक आरोपी ने पुलिस की पकड़ से बचने के लिए सोने की चेन को निगल लिया। पुलिस द्वारा कराए गए एक्सरे में चेन स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब पुलिस इस इंतजार में है कि कब मल के द्वार से चेन वापस निकले और कब वो चेन को सीज करे। थाना नगर कोतवाली के मेमलाना रोड में रहने वाली शिक्षिका लक्ष्मी रानी के घर पर 10 फरवरी को दोपहर बाद चोरी हो गई थी। पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि घर के कमरे का कुंडा तोड़कर अज्ञात चोर लाखों की कीमत के सोने चांदी के जेवरात चुरा ले गए थे। पुलिस ने वारदात के खुलासे के लिए एक टीम का गठन किया और जांच पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल शुरू होते ही पुलिस के सामने परत दर परत खुलती चली गई और उनके निशाने पर इलाके के रामलीला टिल्ला मोहल्ला निवासी अमित कुमार पुत्र राम गोपाल और रोहन पुत्र चंद्रपाल आ गए। पकड़े जाने पर पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। SPCD अर्पित विजय वर्गीय ने बताया कि शिक्षिका के घर हुई चोरी के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। क्या है जिसमें 2 चोर पकड़े गए हैं, एक MBBS कर रहा है और एक डी फार्मर, क्या है सर पूरा मामला? ये आप लोगों को अवगत कराना है कि थाना कोतवाली पुलिस ने 10 तारीख को एक मिमलाना में एक चोरी हुई थी एक शिक्षिका के घर पे, उसका सफल अनावरण किया है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके नाम है अमित कुमार पुत्र राम गोपाल और रोहन पुत्र चंद्रपाल, और इनके पास से जो चोरी का जो भी माल है वो शत प्रतिशत हमने बरामद किया है। इसमें से एक जो सोने की चेन है वो इनमें से एक व्यक्ति ने उसने अपने अंदर डाली, उसने मतलब खा ली पुलिस से बचने के लिए, उसका भी हमने एक्सरे कराया है, वो भी एक्सरे में भी वो चेन दिख रही है, उसको भी हम अभी रिकवर करवाएंगे। और इसके अलावा जो भी चोरी का जो माल है वो सभी हमने बरामद कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई भी प्रचलित। सर, दोनों चोर जो हैं वो अच्छे घर से हैं, क्या कारण बताया उन्होंने चोरी का? जो अभी हमने प्रारंभिक पूछताछ की है उसमें उन्होंने बताया कि ऑनलाइन कोई ये गेम खेल रहे थे जिसमें ये कुछ पैसा हार गए थे, कुछ पैसे को रिकवर करने की नीयत से ही इन्होंने जो इनके पड़ोस में ये शिक्षिका रहती थी उनके घर में चोरी करने का प्लान बनाया और फिर बाद में चोरी कारित की। आपको बता रहे हैं कि इस मामले में पुलिस को उस वक्त हैरानी हुई जब पूछताछ में पता चला कि रोहन कुमार रसिया से MBBS की पढ़ाई कर रहा है जबकि अमित कुमार भी डी फार्मा का छात्र है। पुलिसिया पूछताछ में दोनों ने बताया कि ऑनलाइन सट्टा खेलने का चस्का लग गया जिसमें वो लोग करीब 2 लाख रुपए हार गए। कहाँ गए, कैसे की तुमने चोरी, बताओ? अच्छा, चोरी किस लिए की? ऑनलाइन कैसीनो में फीस के पैसे दे रखे थे, करवा दिए, वो खत्म हो गए थे उसकी रिकवरी के लिए। अच्छा, अभी अभी क्या काम करते हो तुम? पढ़ रहे। डॉक्टर 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 भी हो? कौन सी पढ़ाई कर रहे? MBBS फर्स्ट ईयर। कहाँ पे? अच्छा, और जो आपने आपके अंदर एक चैन भी मिली है, चैन कैसे गई आपके पेट के अंदर? डर गया था सर, मैं जब पुलिस आई मेरे पास तो निकल गया। निकल गया अब पेट में ही है, किस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ये आपका साथी ये क्या करता है? पढ़ रहा है। ये क्या कौन सी पढ़ाई कर रहा है? डी फार्मा। अच्छा, दोनों ने चोरी की है। और ऐसे में उन्होंने अपराध का रास्ता चुना और चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।